गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ इंग्लिश वन क्लास फर्स्ट। सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों हम लोगों ने अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। हम लोग लास्ट लेसन 5 पे हैं, जो कि हमारा रिवीजन चैप्टर है, और आपका समर वेकेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, आज से। तो समर वेकेशन में यानी गर्मी छुट्टियों में आपको क्या होमवर्क करना है ये आपको हम समझाएंगे। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको एक अलग से 4-लाइन कॉपी बनानी है, एक न्यू कॉपी आप बनाइए, ठीक है। एक ही कॉपी बनाइए आप और उसमें लिखिए रिवीजन कॉपी, उसको रिवीजन कॉपी के नाम से रखिए। आप उसमें आधा पेज डिवाइड कर दीजिए, आधा पेज आपका फ्रंट पेज आपका इंग्लिश वन के लिए रहेगा और आधा बाकी का पीछे का आधा पेज आपका इंग्लिश टू के लिए रहेगा। किसी भी और कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। आप जो एक न्यू कॉपी बनाएंगे रिवीजन कॉपी, आप उसी में इंग्लिश वन और इंग्लिश टू का होमवर्क लिखेंगे, ठीक है। कोई भी पेज पे लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक पर्टिकुलर कॉपी बनाइए, उस पर मेंशन करिए रिवीजन कॉपी की, जो भी मैं होमवर्क दे रही हूं मैं उसे चेक करूंगी, आपसे क्वेश्चन पुटअप करूंगी, उसके बाद ही मैं आपको उस पर साइन करूंगी और मतलब अलग से मैं उसमें नंबर दूंगी। तो प्लीज बी क्लियर इन दिस दैट यू हैव टू डू योर वर्क इन अ नीट एंड अ प्रॉपर वे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपका होमवर्क क्या है। पहला क्वेश्चन है राइट 10 पर्सन नेम, आपको 10 पर्सन नेम लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 राइट 10 एनिमल्स और बर्ड्स नेम, एनिमल्स और बर्ड्स नेम लिखना है। इसमें आप 5 एनिमल्स नेम लिख सकते हैं और 5 बर्ड्स नेम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट 10 प्लेस नेम, 10 जगहों के नाम लिखना है। राइट 10 थिंग्स नेम, 10 सामान के नाम लिखना है। ये सारे क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 ये सारे क्वेश्चन आपको एक एक बार लिखना है, ठीक है। फिर से सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये सारे क्वेश्चन आपको एक एक बार लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको 5 टाइप्स लिखना है। क्या है राइट डेफिनेशन ऑफ नाउन, नाउन का डेफिनेशन क्या है ये आपको 5 बार लिखना है। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, एग्जाम्पल मैन बॉय, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, एग्जाम्पल मैन बॉय, ऐसे आपको 5 टाइम्स लिखना है। ये आपका